आज के दौर में रिज़्क हलाल कमाना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में मैं आपके लिए एक यूनिक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ कि जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे रिज़्क हलाल बआसानी कमा सकते हैं। तो वो है YouTube का चैनल बनाना। अब YouTube का चैनल तो बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यूट्यूबर्स के साथ आता है वो है 1000 सब्सक्राइबर हासिल करना और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल करना। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी बैंक के अंदर अकाउंट है और आपने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है, तो आप YouTube के ही एक टूल की मदद से 1000 सब्सक्राइबर्स 3 दिन में बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बगैर किसी ताहीर के अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सामिन ग्रामी, आज जिस बंदे ने भी यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉच टाइम है वो मुकम्मल हो जाए। और मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ सजेशन उनको देते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको यूट्यूब का एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ कि जिसकी मदद से अगरचे आपको कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपका ये जो मसला है 1000 सब्सक्राइबर्स का, ये परमानेंटली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपली सर्च बार में लिखना है youtube.com/ads/, लिख के आपने एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, ग्रो योर बिजनेस विद यूट्यूब एड्स। ये छोटा सा नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेने और देखने हैं कि लोग किस तरह दुनिया में अपने बिजनेस वगैरह को यूट्यूब एड्स के ज़रिए वो ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, हमारे सामने ये जो ऑप्शन आई हुई है स्टार्ट एडवर्टाइजिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला ऑप्शन है न्यू गूगल एड्स अकाउंट और दूसरा है स्विच गूगल अकाउंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तो आपका गूगल एडसन का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई, आप उनको देख के अपना ये एडसन अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और डला हुआ है। तो मैं स्विच गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जो मैं क्लिक करूँगा ये मेरे सामने ये चीज़ लेके आ गया है, मौलाना आमिरुल इस्लाम के नाम से मेरा चैनल है और एडसन का अकाउंट बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है योर यूट्यूब वीडियो, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को और उसकी वीडियो को प्रमोट करना है तो इसलिए मैंने एक URL यहाँ पर देना होगा। तो मैं अपने चैनल के ऊपर जाता हूँ, ये मेरा चैनल बना हुआ है मौलाना आमिरुल इस्लाम के नाम से, वहाँ पे एक वीडियो है सलात तस्बीह की नमाज का तरीका। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा और ये जो वीडियो है मेरा इसका लिंक जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आके यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, जो पेस्ट करूँगा ये मेरी वीडियो सामने आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है हाउ डू यू वांट यूर एड टू शो ऑन यूट्यूब, किस तरह जो एड्स आने चाहिए, ऑटोमेटिकली प्लेड बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर योर यूट्यूब वीडियोस, या दूसरी सूरत यह है कि प्लेस्ड एज अ थंबनेल नेक्स्ट टू रिवील्ड वीडियो आर ऑन द यूट्यूब होम पेज। तो ये पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें व्यूज़ चाहिए तो बेस्ट फॉर ड्राइविंग ट्रैफिक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो हम पहले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें ये सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने का अफजल वक्त ये हमारे सामने आ गया है, इस तरह इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी मोबाइल के ऊपर। और अगर डेस्कटॉप के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो ये दूसरा व्यू है, डेस्कटॉप के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है इस तरह आएगी। तो जब आपका ये काम मुकम्मल हो गया तो अब वो पूछ रहा है कि आफ्टर व्यूअर्स क्लिक यूर एड वेयर डू यू वॉन्ट टू सेंड देम, जब व्यूअर्स आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करें तो आप उनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है तो इसका जो लिंक है ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे कर लेंगे। अब वो देखें
वेयर आर योर कस्टमर लोकेटेड, कि आपके जो कस्टमर है वो कहाँ पे हैं, क्योंकि मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो इसलिए मेरी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी करना चाहते हैं वो आप साफ देख सकते हैं। अब एस्टिमेटेड वीकली परफार्मेंस सामने दिखा रहा है, 11,000 से लेके 23,000 लोगों तक इंप्रेशन जाएंगे, जबकि तकरीबन 2900 से लेके 7700 लोगों तक ये व्यूज़ आएंगे, जबकि इसके ऊपर ख़र्चा बहुत ही कम, यानी एक व्यू के ऊपर मुझे जो ख़र्चा पड़ा है वो 50 पैसे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 पैसे पड़ा। लैंग्वेज यहाँ पे पूछ रहा है, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान है इसमें लोग उर्दू बोलते हैं, तो इसलिए हम साथ उर्दू को सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरी एड्रेस जो उर्दू है। उसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन कर देंगे। अब देखिए बहुत ही अहम चीज़ यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आप कौन से लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब मैं अपना चैनल मौलाना आमिरुल इस्लाम जो है वो खोल लेता हूँ, उसके एनालिटिक्स में जाता हूँ, ऑडियंस पे जाता हूँ, यहाँ जा कर मैं देखता हूँ कि मेरा चैनल जो देखने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम 18 साल से ले कर तकरीबन 44 साल तक और 34 साल तक के लोग जो है ज़्यादा मेरा वो चैनल देख रहे हैं। तो इसकी 18 से लेके 34 साल तक ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि इन लोगों को मेरा वीडियो वगैरह जो है दिखाई जाए। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं देखूँगा कि मेरी ऑडियंस में जो है वो कौन से लोग ज़्यादा हैं। तो मेल जो हैं वो 78% हैं और फीमेल जो हैं वो 21% हैं। तो ज़्यादा जो है वो मर्द अफराद मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मैं मर्द हज़रात के ऊपर जो है टिक छोड़ दूंगा। ये साथ उसने और भी दिया हुआ है कि वालदेन आपकी वीडियो को देखें या जो वालदेन नहीं है वो देखें या अननोन, तो मैं इनको इस तरह रहने देता हूँ। अब मेरी वीकली परफार्मेंस जो है ये 12,000 से लेकर 25,000 तक ये इंप्रेशन देगा और 3,000 से लेकर 8,000 तक जो है व्यूज़ आएंगे और 48 पैसे जो मेरे इसके ऊपर खर्च होंगे। आगे नेक्स्ट चला जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं जी कीप इंटरेस्ट एज ब्रॉड एज पॉसिबल या रीच पीपल विद दीज स्पेसिफिक इंटरेस्ट दैट यू सेलेक्ट बिलो। अगर तो मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए भले कोई भी हो, चाहे मेरी वीडियोस को देखे ना देखे, तो फिर तो मुझे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे यूनिक व्यूअर्स चाहिए कि जो मेरी वीडियोस को देखें और उनकी अटेंशन जो मेरे साथ रिटेन ले, तो फिर मुझे जो है दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, आप इनको सिलेक्ट कैटेगरीज को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ट्रैवलिंग के हवाले से आपका कोई काम है। स्पोर्ट्स और फिटनेस खिलाड़ी वगैरह आपको देखें या हेल्थ के मुतालका जो लोग हैं तो उस मुतालका आपकी वीडियो, तो इन लोगों को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर होम एंड गार्डन के हवाले से कोई वीडियो है तो उसमें आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने जितने भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट्स है जिस हवाले से आपने बनाई हुई, इतनी ज़्यादा आप जो है अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। आगे आप नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है जी हाउ मच यू वांट टू स्पेंड, आप कितने जो है वो खर्च करना चाहते हैं। इंटर ए डेली बजट, अब 600 रुपये में जो है वो रोज़ का खर्च करना चाहता हूँ। नीचे वो पूछ रहा है जी आप लगातार इसको चलाना चाहते हैं या आप जो है एक सिलेक्ट एंड एंड डेट जो है वो मुंतखब करना चाहते हैं। अगर तो मैं लगातार चलाना चाहता हूँ तो फिर मुझे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं एंड डेट देना चाहता हूँ कि मुझे बिल फर जो है 7, 8, 9, 3 दिन तक चलाना है, तो फिर मैं एंड डेट भी यहाँ पे देख सकता हूँ। अब ये सामने उसने बता दिया वीकली परफार्मेंस ये होगी 11,000 से लेकर 22,000 तक और व्यूज जो है 2,000 से लेकर 7,000 तक आएंगे और 53 पैसे जो है मेरा खर्च आएगा। नेक्स्ट हम कर देते हैं। अब ये देखें ये सारी मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो तैयार हो चुकी है। सलात तस्वीर, लोकेशन, लैंग्वेज, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट मैंने जो दिए थे, डेली बजट जो सेटअप किया था और मेरे व्यूज़ वगैरह। आगे मैं नेक्स्ट करूँगा, जो मैं नेक्स्ट करूँगा ये देखें मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो चली गई है।
गूगल एडसन को, और गूगल एडसन जो है बहुत जल्द इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। इस तरह आप जो है करके बड़ी आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप 1000 क्या 1000 से कहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स आएंगे तो खुद ब खुद आपका चैनल ग्रो भी करेगा और आप जो है वो अर्निंग भी कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो सके। वस्सलाम।